कामयाबी हासिल कर ली। सर इंजीनियर रशीद के जलसे को आप किस नजर से देख रहे हो? इंजीनियर रशीद जोरों शोर से जलसे कर रहे हैं जनाब, जलसा करने का हक है, दोनों हक है, अच्छी बात है, करें जलसा। लहर आपके ऊपर असर तो नहीं डालेगा? कहीं उनकी लहर आपकी पार्टी के ऊपर असर तो नहीं डालेगा? नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मुझे तो जहाँ तक लगता है फिलहाल जो हमारी असेसमेंट है कि मुझ पर असर करने से पहले मेरे खिलाफ जो जीतने का दावा कर रहे थे असर उन पर हो रहा है, इसलिए कल से आपने एक बयान में तब्दीली से जहाँ कल तक सजाद लोन साहब इलेक्शन जीतने की बात कर रहे थे, आज उनका बयान बदल गया है। आज वो कहते हैं कि उनका जीतना इतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरा हारना है, तो उन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर ली है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे इलेक्शनों में तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करके अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है जहाँ वो कामयाबी हासिल कर सर इंजीनियर रशीद के जलसे को आप किस नजर से देख रहे हो? इंजीनियर रशीद जोरों शोर से जलसे कर रहे हैं जनाब, जलसा करने का हक है, दोनों अच्छी बात है, करें जलसा। वो लहर आपके ऊपर असर तो नहीं डालेगा? कहीं उनकी लहर आपकी पार्टी के ऊपर असर तो नहीं डालेगा? नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मुझे तो जहाँ तक लगता है फिलहाल जो हमारी असेसमेंट है कि मुझ पर असर करने से पहले मेरे खिलाफ जो जीतने का दावा कर रहे थे असर उन पर हो रहा है, इसलिए कल से आपने एक बयान में तब्दीली से जहाँ कल तक सजाद लोन साहब इलेक्शन जीतने की बात कर रहे थे, आज उनका बयान बदल गया है। आज वो कहते हैं कि उनका जीतना इतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरा हारना है, तो उन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर ली है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे इलेक्शनों में तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करके अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है जहाँ वो कामयाबी हासिल कर ली। सर इंजीनियर रशीद के जलसे को आप किस नजर से देख रहे हो? इंजीनियर रशीद जोरों शोर से जलसे कर रहे हैं जनाब, जलसा करने का हक है, दोनों हक है, दोनों अच्छी बात है, करें जलसा। वो लहर आपके ऊपर असर तो नहीं डालेगा? कहीं उनकी लहर आपकी पार्टी के ऊपर असर तो नहीं डालेगा? नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मुझे तो जहाँ तक लगता है फिलहाल जो हमारी असेसमेंट है कि मुझ पर असर करने से पहले मेरे खिलाफ जो जीतने का दावा कर रहे थे असर उन पर हो रहा है, इसलिए कल से आपने एक बयान में तब्दीली से जहाँ कल तक सजाद लोन साहब इलेक्शन जीतने की बात कर रहे थे, आज उनका बयान बदल गया है। आज वो कहते हैं कि उनका जीतना इतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरा हारना है, तो उन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर ली है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे इलेक्शनों में तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करके अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है जहाँ वो